आज भी लोग मुझे प्रणाम ही करते हैं पैर छूते हैं तो जब रामायण ख़त्म हो गई तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि ये सारी ले लेना मांग लेना उनसे एंड राजकुमारी का रोल मैं करती हूँ हर टाइम सो आई से वाइशर शुड आई मैंने ऑडिशन दिस इज़ नॉट करेक्ट ऐसे नहीं मैं तो. ऑडिशन नहीं दूँगी ज़िंदगी में कभी ये समझ नहीं आता था कि फ़ोन उठाओ और काम मांगो वो भी नहीं होता था एंड वो बच्चा लेके वो अरुण के पैर पे उन्होंने रख दिया की राम जी बचा लो राम बचार। जी बचा लो शी लुक एट मी सेड कि आप बताइए आप बोलिए आप आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाएगा ऑल द पॉलिटिशियंस सेंट्स द जर्नलिस्ट मतलब आके बाकायदा रहे हैं वहाँ इन वेरी बैड कंडीशन वो बाथरूम भी अगर आप खोलते तो you know, uh, you know, बेजो, बेजो, <laughs> <laughs> यू नो वो आती हैं, घूम रही हैं। है ये मेरे लिए गर्व की बात है की मैं तुम्हारी माँ हूं माई डैड ऑलवेज सेट अयोध्या में जो पुरोहित है वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा नहीं आप तो माते हैं <laughs> नमस्कार नॉर्मली मैं किसी इंटरव्यू की शुरुआत में प्रणाम नहीं करता हूँ, <laughs> लेकिन आपको देख के एकदम ऑटोमेटिकली जो है एक प्रणाम की भावना प्रणाम की भावना जो उत्पन्न हो जाती है तो आज भी ऐसा होता होगा कि लोग बाग मिलते हैं पैर छूते हैं आशीर्वाद लेते हैं आज भी लोग मुझे प्रणाम ही करते हैं पैर छूते हैं एंड uh, ये अभी एक नॉर्मल चीज हो गई है और ये मैं मानती हूं कि लोग हमें एक्टर के तौर से या मनुष्य के तौर से नहीं देखते हैं कुछ और है समवेयर इन बिटवीन और शायद उनको खुद को भी नहीं पता hmm. कि यू नो हाउ दे शुड लुक एट अस कि हम रियल में राम सीता है hmm. या हम एक्टर हैं जिन्होंने राम सीता की रूप की भूमिका प्ले की है hmm. तो शायद ये उनको भी शायद एक कन्फ्यूजन hmm. है लेकिन उनको लगता है हो सकता है राम सीता है, तो पैरी छू लो यू नो देयर था प्रोसेस एंड जल एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ मतलब ऐसी जर्नलिस्ट से बात कर रही थी मैं और उन्होंने कहा कि रामायण करने के बाद आप बहुत अरसे तक नहीं नजर आई पढ़ते हुए बहुत अरसे तक तो जब बात करते थे कि सीता जी के बारे में तो बोला कि अरे वो तो ऊपर थी ना सीता जी सीताजी अच्छा। से आई अच्छा। शूटिंग की और चली गई ये किसने बोला? मतलब गांव के लोग इतने इनसे होते हैं कि दे बिलीव द दी विच अप बाय से तो उनको ये लगता है कि भाई ये तो यहाँ की थी ही नहीं सो आई मीन यू कैन इमेजिन के उनके थाट प्रोसेस यू नो कैसेमेंट भी होती है कई बार जब एल्डरली लोग आके पैर छूते हैं हाँ बहुत कॉमन चीज़ हैं इनफैक्ट मैं अभी अयोध्या में तीन uh, तीन महीने पहले मैं शूटिंग कर रही थी तो अयोध्या में जो पुरोहित है वहाँ के जो पंडित जी हैं वो बुज़ुर्ग थे और उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैंने कहा प्लीज कब से हुँ? आप तो मत करिए एक तो आप बुजुर्ग हैं ऊपर से आप पंडित जी हैं और आप पूजा पाठ करे गुप्त घाट के हूँ तो उन्होंने कहा नहीं आप तो माते हैं ठीक है <laughs> so, अच्छा ये जो कैरेक्टर रहा मतलब मैंने जो पढ़ा कि यू आर डूइंग विक्रम बेताल जिस वक्त आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला था राइट करेक्ट है इसी तरह की कुछ कहानी थी तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे किस तरह से uh, you got this? So, uh, कहानी में बस बट uh, not hmm. hmm. ये है कि मैंने दादा दादी की कहानी शुरू की uh, सागर के परिवार के साथ hmm. फिर विक्रम बैताल की yes. शुरुआत हुई एंड uh, फिर मैंने विक्रम बैताल की hmm. और उसके बाद uh, ये था कि हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे अब नहीं रहे हरी भाई करके वो चाहते थे कि मैं एक ऑडिशन दूँ तो मैंने मना मैं कर दिया मैंने कहा मैं नहीं ऑडिशन नहीं दूंगी मैं दिन रात इनके साथ काम करती हूँ खाना खाते हैं हम लोग लंच करते हैं उठते बैठते हैं क्योंकि घर पे शूटिंग होती थी तो मैं उनके सब पे। उनके घर पे शूटिंग होती थी तो मतलब रात दिन साथ में उठना बैठना मैं उन जो फैमिली की जो लेडीज हैं उनके साथ ऊपर जाके यू you नो know, बैठी रहती थी पापा जी बोलते हैं मैं हम लोग पापा जी कहते हैं uh -huh. तो पापा जी के लाइब्रेरी में हम लोग जाके बातें करते uh -huh. थे अगर यू नो इन बिटवीन शॉर्ट्स हुआ होता था फिर ऊपर जो लेडीज थी उनके साथ बैठते थे कभी कभार लंच में ऊपर कर लेती uh -huh. थी तो मतलब समथिंग लाइक दैट वुड कीप हैपनिंग तो मैं कहा वो मुझे जानते हैं पिछले uh -huh. तीन चार महीने से एंड कॉन्स्टेंटली वो मुझे देख रहे इट इज़ बी एड On दादा एंड एंड राजकुमारी का रोल मैं करती हूँ फिर उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन ली बहुत सारी सीताओं के बारे में uh, कहा नहीं, नहीं आप चलो क्योंकि आपके जितना कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है तो hmm. so, फिर मैं गई तो पापा जी ने पूछा अच्छा कुड़ी, कुड़ी है. हाँ hmm. अच्छा कुड़ी सीता बनना है तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया मैंने कहा बिकॉज आई नो टू से आप मुझे देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली डे इन एंड डे आउट एंड देन वाई वुड यू वॉन्ट एंड ऑटि मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट से आई सर हाँ जी फिर मैंने कहा दैट्स इट फिर नेक्स्ट डे बहुत सारी लड़कियाँ आई बीस तीस लड़कियाँ आई फिर एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ चार बार हुआ एंड इन बिटवीन शॉर्ट्स में से मुझे बुला के ऑडिशन्स uh, लेते hmm. थे सो इवन आई लाइक द फिफ्थ टाइम तो ये था कि मतलब एक अलग कॉस्ट्यूम में करना था तो एंड उन्होंने डायलॉग्स वायलॉग्स मुझे अच्छे खासे लंबे दिए एंड आई हैड डिसाइडेड कि दिस इज इट गुस्सा आ गया था आपको बस हाँ hmm. अब अब बहुत हो hmm. गया है मतलब लेना है तो लो नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम इट्स ओके एंड uh, बहुत सुंदर वाला था कि जब मैं राम जी को कहती हूँ कि uh, मैं भी आपके साथ वनवास आऊँगी hmm. तो लॉन्ग शॉट में दे टेक मी एंड देन आई कीप वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा एंड आई कैन कराई वेरी इजिली तो मेरे आँख में नमी जल्दी से आ जाती है आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑन दैट तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई आप मुझे मेरे आपके साथ मुझे uh, वन uh, वन में लेकर जाइएगा वो वाला सीक्वेंस था तो मैंने किया एंड uh, पापा जी इज़ एक्सप्रेशन में मुझे मेरी सीता मिल गई तो मतलब mm -hmm. कि हाउ कैन इट बी सो परफेक्ट एंड देन होने के बाद इन वन डे आई ऐसा जी इतनी सारी आपने स्क्रीन mm -hmm. टेस्ट लिया मीन यू हैव सीन मी एज राजकुमारी एंड यू सीन मी इन दी आरा गेट अप एंड एवरी थिंग तो फिर लेने का क्या मतलब है तो बोला कि नहीं आई नो कि यू आर अ गुड एक्टर एंड यू वुड डू वेरी वेल आप बहुत सुंदर हो तो बहुत सुंदर भी दिखोगे बट मुझे एक एक ये है कि सीता मुझे ऐसी चाहिए तो मेरा एक्चुअल इंट्रोडक्शन हुआ कि हम लोग चार बहनें आती हैं एंड ऐसा नहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट uh, नहीं दिया गया था मतलब इट वॉज़ पैंड ऐसे करके पैंड किया था बट पीपल न्यू कि दिस गर्ल इज सीता सो इट वॉज दैट एविडेंट सो उनको ये था कि मुझे uh, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मतलब कोई कैरेक्टर आपको बुलाएगा नहीं कि भाई सीते नहीं आई जस्ट वॉन्ट यू टू वॉक एंड पीपल शुड नो कि दिस गर्ल इज इज़ वॉकिंग इज सीता सो दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन ही हैड अबाउट

and uh, I did my first movie with Rajshri hmm. uh, Production uh, Sun Meri Laila, Raj Kiran Hero and in fact Suraj Barjaatia used to hmm. uh, assist hmm. फर्स्ट फिल्मुलर मूवी वॉज नॉट पॉपुलर सो आई डिपल ऑफ गेस्टेशन विद राजेश काम कर रही थी बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ वॉट वॉज है इंडस्ट्री आई डोंट नॉट नो एनी बडी आई डोंट कम फ्रॉम फिल्म फैमिली सो ये थोड़ी एक दिक्कत रही कि भाई कैसे करे जिंदगी में कभी ये समझ नहीं आता था कि फ़ोन उठाओ और काम मांगो वो भी नहीं होता था कोई यू नो नो गॉड फादर एंड नो सपोर्ट एंड नो बडी तो बहुत uh, दिक्कत लगने लगी थी एंड आई डेंट नो व्हाट टू डू एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर रीजनल यू डिड सम साउथ फिल्म मैंने also. बहुत सारी पिक्चरें hmm. की मैंने साउथ hmm. की सब लैंग्वेज़ hmm. के दो तीन पिक्चर्स hmm. की भोजपुरी की दो की गुजराती दो की बंगाली दो hmm. की तो मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं स डैट हैपन्ड मोस्टली ड्यूरिंग ड्यूरिंग माई रामायण फेज उत्तराखंड के फेज पर हुआ था मेरा बट उस टाइम पर भी मैंने थोड़ी बहुत काम मैंने शुरू कर दिया था एंड देन वॉट हैपन वॉज आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम राजी प्रोडक्शंस फॉर पेइंग गेस्ट सुदेवा मेकिंग अ टेलीविजन सीरियल कॉल पेइंग गेस्ट और उनको हर एपिसोड में उनकी कास्ट की हुई इंट्रोड्यूस्ड की हुई हीरोइंस चाहिए थी तो आई थिंक इवन माधुरी दीक्षित वाज देयर इन दैट आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक सो आई वाज देयर आई नो एंड दे आस्क्ड मी एंड आई सेड ओके फाइन सो मैंने शूटिंग जब चल रही थी तो लंच ब्रेक में देयर वाज वन कैरेक्टर कैरेक्टर एक्टर है उनका नाम जुगनू है तो उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स को मीट सागर्स यहाँ पे ही है तो मैंने कहा मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसे ऑफिस mm. में mm. तो थोड़े मुझे और लगता है इसीलिए मैं हूँ ना आपके साथ mm. और क्या लगने का mm. तो है खाई हलोई तो बोलना है तो मैंने कहा नहीं आप चले जाइए मुझे फ़नी लगता है मैंने कभी नहीं किया ये सब इसी आप काम मांग ले थोड़ी जा रहे हैं आप <laughs> हाई हलो हाँ हाँ करने वाले हैं आप मेरे साथ चल रहे हैं <laughs> जस्ट कम इट्स ओके एंड दे वेरी गुड पीपल तो ऐसा ठीक है चलो यू नो आई वेंट एंड वेरी नाइस पीपल एंड द मोमेंट आई एंटर दे ऑल सॉ मी फ्रॉम वो काच के उसमें से एक कौन आया है यू नो काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन आनंद जी वज प्रेम जी वज देर एंड मुझे देखकर उन्होंने सीधा मुझे रामायणी ऑफर कर दी थी उस टाइम पर विल यू डू रामायण क्योंकि वो बात चल रही थी एंड अब मैं मना नहीं कर टेलीविजन तो ऐसे हाँ करेंगे नो प्रॉब्लम आई ऑलवेज फील कि मना मत करो हाँ बोल दो एक बार उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा यू नो दैट काइंडर्क नॉट अदरवाइज अदरवाइज इट बेटर टू से नो फर्स्ट टू से कहा ठीक है एंड इट वॉज अ फोगाटन स्टोरी मतलब छः महीने तक ना उनका फोन आया ना कुछ हुआ एंड देन दे कॉल्ड मी फॉर दादा दादी कि दादा दादी हम लोग करें इट्स एन एपिसोडिक्ड बाई द टाइम पेट पेंगीज नाम मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए बिकॉज आई वॉज डूइंग टेलीविजन एंड उन दिनों में बहुत लोग टेलीविजन नहीं करते थे अग्रीड टू डू बिकॉज आई ब्रेक बैरियर्स आईवेज सीन दैट इन माई लाइफ आई लर्न दिस वेरी हार्ड वे दैट Life doesn't come on a platter. You have to break barriers and you have to right. work very, very hard right. for it. So I said, okay, I took up television and uh, I got quite popular. And it became a very comfortable uh, space for me. नॉन पीपल वेरी कम्फर्टेबल मतलब आप कल है शूटिंग पे नहीं मैं कल नहीं मैं कहीं जा रही हूँ अच्छा ठीक है तो परसों आप रख लेते हैं हम, लो, हम लोग आपका यू नो वेरी कम्फर्टेबल वेरी नाइस एन्वायरमेंट लंच पे भी यू नो लेडीज ऑफ द हाउस भाभीज़ ऑफ द हाउस वुड कॉल मी के यू दाउस आके लंच कर लेना यहाँ बत बैठना okay. यू you नो know, हमारे साथ बैठो इवन hmm. I mean, पापा जी वॉज यू नो ही ट्रीट मी लाइक अ फैमिली मेम्बर आ जा आ जा बेड बैड क्या खाएगी यू नो काइंड ऑफ थिंग वेरी नाइस एटमोसफियर वेरी हैप्पी कम्फर्टेबल तो मैंने मतलब जब जब वो बोलते थे आई वुड नॉट इवन बॉडर टू लिसन टू द रोल आफ्टर अ पॉइंट तो आई न्यू के इट वॉज ऑलवेज हिरोइंग ओरिएटेडेज बी गुड रोल्स एंड दे ऑलवेज गेव मी गुड वर्क एंड देन केम विक्रम बेताल तो इन बिटवीन ये फिर रामायण का शुरू हुआ था

एंड दे लॉट ऑफ स्टोरीज़ आई रिमेंबर दे वॉज अ टाइम जब हमारे गाँव में मतलब उमर गाँव में किसी का बच्चा एकदम बीमार हो गया था एंड अरुण व सिटिंग आउटसाइड ऑन द चेयर एंड मैं अपने मेकअप रूम में बैठी थी <laughs> और दरवाज़ा खुला ही रखते थे हम लोग एंड <laughs> वो बच्चा लेके वो पैर पे उन्होंने रख दिया किस घोट लाइद इसे इधर नहीं तुम डॉक्टर के पास लेके जब मर जाएगा बच्चा तुम ऐसा करोगे तो यू नो कि आप बताइए आप बोलिए आप आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं राम जी ने कहा ना डॉक्टर के पास जाने के लिए mm. तो आप डॉक्टर के पास जाइए सो देन मतलब 4 साल में कोई बीमारी mm -hmm. नहीं हुआ है मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ये बीमार है और चलो यू नो दो दिन डिले करो एवरीबडी केम ऑन टाइम रीच्ड ऑन टाइम मोर देन हैप्पी टू कॉपरेट मतलब कोई जरूरत मतलब जरूरी नहीं है किसी के लिए भी एंड देन यू सी द स्टारक दट फेल इन टू प्लेस वन बाई वन मतलब कहीं कही एज पदमा खन्ना आई मीन डैम गुड हनुमान जी मतलब दारा से मंथरा यू हैव ललिता पवार तो मतलब एवरी कैरेक्टर फिटड सो वेल इट फिटेड लाइक अ हैंड टू द ग्लव तो मतलब ये लगा माय गॉड क्या बनते जा रहा है एंड uh, पापा जी इज टू तो राइट इन द नाइट एंड इज टू कि बस मैं तो पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ <laughs> राम जी जो बोलते हैं वो मैं लिखता हूँ अफकोर्स एट दैट एज हमको ये सब समझ नहीं आता था द इंटेंसिटी द स्पिरिचुअल यू नो एसेंस ये सब नहीं समझ में आता था एंड <clears throat> uh, जब शुरू किया तो ऑफकोर्स हमको लगा एक टेलीविजन सीरियल बना रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है And uh, then dheere 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 it started sinking in that hmm. there's something special to it. Not because it became very famous, hmm. but this is ki kripa rahi hai. Hmm. Kahin oh, there I'm was that, uh, hmm. that feeling hmm. of being blessed hmm. that uh, something different has happened over here. Otherwise, you know, everything doesn't fall into place. So, um, and then we had uh, people like Mark Tully would come. Hmm. Uh, uh, मतलब वो बाथरूम भी अगर आप खोलते हैं बहुत गर्मी सिस्टम ही नहीं था एयर कंडीशन का

तो एक बड़ा वियर्ड टाइमिंग था बट वी वर ऑल हैप्पी वेरी इंजॉय सो इट वॉज ओके कभी कभार mm. रात को सोने को मिलता था तो सोने में एक बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कॉन्स्टेंट देयर यूज बी आवाज तो ये भी नहीं कि रात को सोना मिला तो ओ, चलो चलो रात को mm. सोना mm. मिल गया है बट वो भी नहीं था बिकॉज ऊपर से यू you नो know, चिलम चिल्ली की आवाज़ हो रही है बंदर भेजो भालू भेजो mm. अरे ये भालू की पूछ mm. अरे बंदर की पूछ निकल गई ठीक से यू करते हो तो यू नो ये सब कॉन्स्टेंट वुड कीप गोइंग ऑन सो डिफरेंट था बट आई गैस वी इंजॉय थर्लीफ माइल अच्छा जब रिलीज हुआ एंड इट गॉट सो पॉपुलर और आप सब लोग जो हैं वो आम लोगों के लिए भगवान बन गए हाँ. तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था कि मतलब हाउ हाँ दे टू किट क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बच्चा उनके लिए हाँ, तो बच्चा हाँ, ही है हाँ, वो उसको लोग उनसे बड़े-बड़े उम्र के लोग आके पैर छू रहे हैं हाँ, आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो हाउ व्हाट वाज देयर माय मदर्स लाइन ऑलवेज वाज कि माय नेम इज दीप्ति यू सीइंग तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है वरना ये नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारे आके पैर छुए क्योंकि हमारे कल्चर में जब कोई बुजुर्ग होता है तो पैर छूते लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन, जिनके लोग पैर नहीं छूते हैं।, हैं तो आप तो मतलब यू आर इन योर ट्वेंटीज एंड कमिंग एंड टचिंग योर फील मतलब तुमने बहुत पुण्य किया है तुम्हारे पहले जन्म में और तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है और भगवान ने तुम्हें स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं ये रोल करने के लिए सो ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड शी वॉज सेंग आई कैन नॉट टेल यू के हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू माई मॉम एंड डैड ऑलवेज कैप सेन कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड माई डैड ऑलवेज सेट डैट टू सो देवर वेरी थैंकफुल टू गॉड वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भाई मेरे घर में इनका जन्म हुआ है यू नो सो देट अवर सम्बडी वेरी स्पेशल आई मीन या सो यू नो आई मीन आई आई ऑल्सो फील वेरी स्पेशल बिकॉज आई फील

बचपन में कैसे बच्चे थे शरारती थे पढ़ाकू थे या मैं बहुत शरारती थी और मैं अभी भी ऐसी हूँ मैं बहुत <laughs> बोलती हूँ <laughs> नहीं बोलना और शरारती नहीं, नहीं, करना। नहीं मैं शरारती भी बहुत थी मैं बहुत शरारती थी इन फैक्ट मेरी मम्मी एक इंसिडेंस बताती थी कि हमारे नेबर के घर में मेरी मदर वॉज वेरी यंग शी जस्ट गॉट मैरिड आई वॉज जस्ट बॉर्न टू हर तो मतलब हमारे नेबर के घर पे मम्मी हेल्प करने गई थी पूरी बनाने के लिए एंड थोड़े मतलब और फिर वो पूरी के ऊपर पेपर रख के ढाक के रख दिया होगा एंड मुझे पता चला कि बहुत सारी पूरियाँ हैं तो मैं बहुत सारी पूरी ऐसे छुपा के लेके जाती हूँ बस फोर इयर्स ओल्ड एंड जितने डॉग्स से सबको खिलाती तो जब गेस्ट आए तो पूरी नहीं थी तो ये सब बहुत सारे मतलब अलग अलग किस्से चार किस साल हैपेंड सो so, मतलब बहुत सारे ऐसे मम्मी hmm. किससे हम मुझे बताते कि यू hmm. नो you know, ऐसे करती थी वैसे करती hmm. थी तो so, यस yes, मैं बहुत शरारती hmm. थी मैं टॉकेटिव भी बहुत थी एंड uh, अभी भी मेरा दिमाग इज़ ऑलवेज यू नो व्हेन आई सी समथिंग आई ऑलवेज फाइंड समथिंग वेरी फनी कि आई कैन नॉट सी इट स्ट्रीट आई ऑलवेज आई एम फनी इन माई थॉट प्रोसेस मुझे लाइक दैट एम डिफरेंट अच्छा आपके पेरेंट्स का कुछ ये नहीं था कि डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो आई बनो जैसे अक्सर पेरेंट्स चाहते नो नो माय फादर वाज डेड अगेंस्ट मी बीइंग एन एक्टर क्योंकि मेरे फादर चार्टर्ड चार्ट थे।

क्योंकि उनको ये लगता था कि यू आर मतलब अल्टीमेटली मैंने बीए तक मैंने पढ़ाई की इंग्लिश hmm. ऑनर्स uh, में पर उनको ये लगता था कि सिर्फ बीए किया hmm. है मतलब यू नो हमारे ऑफिस में right. प्यून्स बीए hmm. होते हैं तो hmm. बीए की क्या मतलब वैल्यू hmm. है hmm. कुछ तो लाइफ में करो एंड hmm. uh, उनको ही वॉज वेरी हैप्पी रामायण के बाद बट उनको ये था कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या मतलब आपका होराइजन बढ़ता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थाट प्रोसेस सो

पार्लियामेंट में किसी ने पैर तो नहीं छुए थे लेकिन वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उनको भी ये लगता था कि क्यों किया तुम्हें क्यों मिला तुमको ये रोल तो यू नो इट वाज समथिंग ऑफ ऑफ मैटर रिस्पेक्ट एंड बहुत अच्छे से वो सब पेश आते थे बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आते थे बट लेकिन आफ्टर रामायण जब इतना स्ट्रांग वो कैरेक्टर हो गया फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया देन हाउ यू डेल्ट विद दैट सिचुएशन

5 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए okay. okay. मेरी बेटी hmm. की बर्थ हुई एज़ सून एज मैं पार्लियामेंट का ओवर आई वांटेड टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड बिकॉज़ आई ऑलवेज फेल्ट दो होने चाहिए hmm. बच्चे आई वेंट एंड हैड अ सेकेंड चाइल्ड सो माय लाइफ वाज ऑन द मूव बट आई नो द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स यू नो हु आर रेगुलरली वर्किंग उनके लिए बहुत हॉरिफाइंग हो गई थी बट आई हैव मूवड ऑन

एंड आई आई डिड एवरी थिंग जो एक नॉर्मल होम मेकर करती है बर्थडे पार्टीज़ करना बच्चों के लिए खाना पकाना दो टाइम नाश्ता करना वेट फॉर देम टू कम बैक यू नो मतलब सब कुछ सब्जी वब्जी खरीदने जाओ मतलब वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे करना था यू नो एक नॉर्मल लाइफ एंड देन धीरे धीरे आई गोट बैक इन टू माई हस्बेंड्स बिजनेस तो वह उनके बिजनेस हैंडल करती थी मार्केटिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट वो वहाँ से फिर आई सार पेंटिंग एंड देन अगेन काम आने लग गया था इंडस्ट्री में तो देन आई वर्क देन आई डूइंग वर्क बट देन मेरी छोटी वाली टेंथ में थी फिर मैंने वेट किया थोड़ा एंड देन आई अ गुजराती ऑफ एंड फिर मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि एक बार ट्राई करके देखो ये अच्छे लोग हैं अगर हाउ यू फील हाउ यू रिमेंबर योर लाइन्स आप कैसे दिख रहे हो

दीपिका चिखलिया टोपी वाला okay. क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं डीसीटी क्या <laughs> है हम्म आई नो आई नो इट इज दीपिका चिखलिया टोपी जी हां सो एंड मुझे डीसीटी इसलिए रखना था कि मुझे लगता है दीपिका चिखलिया लोग पहचानते हैं बट वो मेरा पास्ट रहा है राइट right. तो मेरा प्रेजेंट इज एट प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर इज टोपी वाला सो आई फेल्ट दैट्स अ कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन टू एट एंड क्योंकि हम लोग मतलब सब लोग यही कहते थे कि आपके नाम से ही होना चाहिए यू नो दीपिका प्रोडक्शंस करो ऐसे मुझे दीपिका प्रोडक्शन बहुत खाली लग रहा है आप यहाँ पे हैं एंड माई फर्स्ट शो एंडारा इट्स नज़ारा साढ़े आठ बजे का स्लॉट है एंड बहुत अच्छी मतलब कहानी है वंस अगैन इसमें भी Uh, हमने अयोध्या की कहानी ली है जहाँ राम जी हमारे uh, देव हैं एंड आप देख सकते हैं right, हमने बहुत बड़ी मूर्ति रखी है राम दरबार रखा है घर में एंड uh, सुमित्रा देवी का मैं रोल प्ले कर रही हूँ जो uh, राम जी को बहुत मानती हैं अयोध्या में शूटिंग भी की हम लोगों ने एंड uh, मुझे लगता कहीं ना कहीं राम जी के आशीर्वाद रहे हैं मेरे साथ तो वो रिफ्लेक्ट होता है मेरी लाइफ की हर पन्ने में हाँ वो बिल्कुल मतलब हम भी यहाँ भी देख रहे थे आप उनकी पूजा कर रही थी हाँ बिल्कुल मैं एक रील बना रही थी <laughs> लेकिन वो भी एक राम वाला ही रील था हाँ, मैं वही जी, तो हाँ, जी, हाँ, प्रभु राम तो आपके साथ मेरे ख्याल से अब मतलब इस तरह से जुड़ गए हैं कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते अच्छा डी सी टी तो इसी से मुझे की टोपी वाला हाउ यू बिकेम वो कहानी क्या है आपकी शादी वाली कहानी uh, शादी वाली कहानी बेसिकली माई हजबेंड रियल सिस्टर वो मेरे कजिन ब्रदर की वाइफ है ओके okay. तो मतलब वो उस टाइम पे मेरी भाभी हुआ हाँ. करती थी और मेरी मदर Uh, बहुत समय से मुझे कहती थी कि ये जो परिवार है ना और मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत है तो ये लड़का बहुत अच्छा हुँ. है मतलब मुझे बहुत पसंद है हुँ. मुझे लगता है कि यू नो इट्स अ वेरी गुड फैमिली फॉर यू टू गेट मैरिड इन टू एंड आई नेवर वॉन्टेड टू मैरी मुझे लगता है कि वेन यू हैव अ करियर यू हैव अ करियर मतलब right, दो right. चीज़ नहीं कर सकते आप पर मम्मी को बहुत मन था कि नहीं तुम जल्दी शादी कर लो बिकॉज यू नो सबकी शादियाँ हो रही फिर मेरे पापा ने समझाया कि जब काम नहीं था तो मैं भी समझता हूँ कि भाई उस टाइम पे कर लिया होता तो अलग right. बात है अब काम है इज़ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेशन फाइल किया है आफ्टर बिकमिंग सीता बहुत कुछ कर सकती हैं mm. वो सो so, uh, इतना इम्पेशन मत बनो डू इट लेटर बट मम्मी की थोड़ी जिद रही थी कि नहीं नहीं, mm. नहीं शादी कर लेते mm. फिर uh, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई मीटिंग एंड मैं इनफैक्ट मीटिंग

एंड uh, मुझे पता था कि अभी एक्टिंग का सोर्स नहीं है क्योंकि दे वांटेड मी टू प्ले पार्वती और दे मी टू प्ले दल नमय ये right. सब स्टोरीज hmm. हैं मैं, हाँ, मैंने कहा ये मैं कर चुकी हूँ एंड uh, मुझे और ये सब hmm. मैं नहीं पढ़ना है एंड आई मेट हेमंत ट्वेंटी एथ अप्रैल ट्वेंटी नाइन्थ मेरी बर्थडे थी तो hmm. उस दिन पे वो रोका कर लिया एंड hmm. थर्टी को मैं वापस uh, अहमदाबाद चली गई hmm. मैंने अपने नॉमिनेशन फाइल किए But Maya was very clear. I told him that I'm going to file my nominations. Mm. Aake hota, mujhe pata. Mm. You know. But uh, I don't know if I want a political career or mm. no. But mm. at this point of time, I will be doing mm. it. And uh, his family was very happy. Mm. Especially his father was very happy mm. that I would be, uh, you know, filing a nomination mm. and all that. And. Um, That's it. Ten दस छः महीने के बाद हमारी शादी hmm. हो गई. By the time I was already <laughs> member of parliament, hmm. I got married. In fact, hum log honeymoon pe Switzerland jaane wale the. थे. Hmm. तो वो जो पूरा एक uh, संसद का प, uh, वो होता है timing. Shatra. You cannot, hmm. yeah, you cannot hmm. uh, uh, not be present at all.

इमोशनल so, होता है सेंसिटिव होता होता yes, है yes, yes. Totally hmm. है यस 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 मतलब माइंडसेट टोटली अलग कोई मैच hmm. नहीं होता है। hmm. हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वी हैव अ स्पॉट बॉय जो छतरी पकड़ता है right. फिर नॉर्मली सिक्योरिटी भी hmm. रखते हैं you know, right, outdoors, right, right. बहुत आ जाती है hmm. फोटोज के लिए hmm. कुछ के लिए मतलब hmm. वो प्रोड्यूसर रख ही लेते hmm. हैं वो प्रोड्यूसर्स डोंट टेक चांसेस तो ये होता है फिर एक ऑलवेज uh, कोई मैनेजर होता है आपके मेकअप होते हैं आपके हेयर होते हैं तो यू हैव योर ओन पैरिफेलिया अराउंड यू आपकी वैनिटी वैन van अभी तो हो गई है तो आप वहाँ पे हैं, शॉर्ट पे ही आ पाएंगे, शॉर्ट दे के सीधा अंदर जाएंगे आपके जो असिस्टेंट आपको जो समझाना चाहता है सीन वो भी आपके रूम में अंदर आके या वैनिटी में आपको समझाएंगे कभी वेस्टेज ऑफ टाइम इज पब्लिक अभी सेट वेट पे अलग बात है कि आप घूम रहे हैं बिकॉज इट इज इनक्लोज सो दैट इज द एटमोस्फियर आप देखिए जब मैं नॉमिनेशन मैंने भरा और हाँ. जब इलेक्शन का टाइम था हाँ. तो मतलब ये था कि गाड़ी रोक देते थे अकेले वाले का ठेला था हाँ. तो फिर बोलते गुजराती में कि बहन जी उनको बोलो वोट देने को हाँ. तो मैंने कहा वोट, वोट आप जो हाँ, भाजपा ने वोट आप जो हा तो हा हा वोट फिर आगे फिर कोई लोग और खड़े हैं रैंडम पीपल फिर सामो आप जो यू नो सो यू हैव इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बीइंग एन एक्टर मतलब ये आप घुसते हैं उनके घरों में उनके एरिया में यू हैव टू टॉक आप सभा वहां पे कर रहे हैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं आपके मैनिफेस्टो समझा रहे बता रहे हैं कि ये ये भाजपा इस साल कर चुकी है और ये करने वाली मतलब जो भी हैं, तो उस हिसाब से होता है तो बहुत ही आ, मुझे डिफरेंट लगा तो मतलब यू यू नो नो इट केम शॉक टू मी कि मतलब you know, मैं रैंडम लोगों से भी मुझे बात करनी पड़ती है बोला नहीं नहीं और वहां पे एक कहावत है गाय उम्मीदवार दौड़े त्या जाए बिच का <laughs> मतलब ये होता है कि गाय <laughs> और उम्मीदवार हाँ मतलब उनको खींच के मतलब कहीं पे भी आपको लेके जाना पड़ता है तो मतलब एक्चुअली स्पीकिंग यू जस्ट है तो hmm. पेपर में आया कि ये 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 आपके मतलब क्षेत्र में कोई मर गया है hmm. देहांत हो गया है पता चले बीमार है तो एज राइटिंग अ लेटर और कॉलिंग दैट इज हाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्टेट शुड बी बिहेव सो इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू वर्क मतलब कोशिश तो मैंने पूरी की कि मैं करूं लेकिन कुछ लास्ट के एक डेढ़ साल के बाद फिर मुझे hmm. लगा कि मैं कह सर आई वॉन्टिड टू बी एट होम आई वॉन्टेड टू बदर आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट वो मैं एक uh, मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दिया चौदह साल की उम्र से तो मुझे लगा मेरा बचपन भी चला गया मैं, ना मैंने कॉलेज लाइफ इन्जॉय की है hmm. फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी मैरिड लाइफ इज आल्सो नाउ यू नो गेटिंग मिस्ड अप और मेरी बेटी विच आई डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू आई आई एम लूजिंग आउट ऑन हर ग्रोइंग अप घर पे ही रहूंगी तो आई स्टे डेट होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब नाउ यूट कंटिन्यू डी सी टी बिल्कुल एंड क्या क्या इसमें और होने वाला है इस

There's a buzz. I would say that. came mm. buzz in the industry. Mein, uh, people have started knowing that mm. uh, uh, you know, DCT movies. Karke right. I have started, mm. and I'm doing something, mm. and I'm doing well. Mm. I'm doing very well, actually. Mm. So that they are uh, aware about. And I would just say that Ramji has been very kind. That people a lot and they rest. But uh, lucky for uh, me, also, that uh, I got an opportunity. or मतलब कोशिश में थी मैं दो तीन साल से कि मैं कुछ अलग करूं जहां मैं मैं ज़रूरी मुझे एक्टिंग का इतना नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं पर मुझे ये था कि मैं कुछ अपने यू नो टाइम को मैं कुछ क्रिएटिवली uh, कुछ uh, करूं लाइक आई स्टार्टेड पेंटिंग मैं एग्जीबिशंस भी करती थी एंड बट आई वॉन्टेड टू गेट इन समथिंग वेयर आई कुड हैंडल सो एज अ प्रोड्यूसर आप सब कुछ ही हैंडल करते हैं एंड hmm. फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं बट स्टिल यू आर स्टिल मतलब चाहे वो एडिटिंग है तो hmm. वहां पर आप देखते हैं स्क्रिप्ट hmm. बनती है तो स्क्रिप्ट पे आप बैठते hmm. हैं डायरेक्शन टीम के साथ आप बैठते hmm. हैं सो यू आर एक्टिवलीवॉल्व एंड अगर आपको नहीं बनना है hmm. you know, actively involved, तो आप नहीं भी बन सकते hmm. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं काइंड हैंड ऑन काइंड ऑफ प्रोड्यूसर मुझे करना था सो आई ट्राइड आई पिचड फॉर टू थ्री इयर्स एंड कहीं ना कहीं एक हो गया एंड इट हैज वर्क एंड ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट हमने शुरू कर दिया हाँ हमने शुरू कर दिया <laughs> <laughs> अच्छा एक लास्टली आपने थोड़े दिन पहले एक रील बनाई थी जिसमें यू रिक्रिएटेड द माता सीता वाला लोग जी हाँ हाउ दैट केम इन टू माइंड मतलब वो इतनी प्यारी रील थी हाँ. मतलब वी ऑल्सो अपलोडेड एंड उस पर इतने कॉमेंट्स आए अच्छा। मतलब आई I मीन mean, अधिपुरुष जब आई थी उस वक्त हाँ, लोग हाँ, बड़े गुस्से में थे या, या, क्या या, बना दिया इन्होंने मतलब पीपल वर लाइक कि दिस थर्टी सेकंड ऑफ रील इज यू नो बेटर देन एनीथिंग सो हाउ वो आपके दिमाग में आया कैसे कि उसको रिक्रिएट करते हैं अह आई टेल यू ये जो साड़ी का है ना हम लोग गुजराती में जब वन uh, यू die a suhaagan, हम लोग में घर छोड़ा पहनाते हैं तो मतलब जो सुहाग

ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है एंड कैरी इट विथ यू टिल योर एंड सो दी मैंने बहुत मैंने कोशिश की बहुत सालों की मैं कुछ ना कुछ इस पर करूंग hmm.

and and I was not even in a mood that day hmm. but uh, my manager and makeup man hmm. he said नहीं चलो ना कर लेते नहीं और आदि पुरुष का बहुत कुछ हो रहा था मुझे नहीं बोलना था आदि पुरुष के बारे में कुछ भी नहीं बोलना I said कुछ एक भजन रख देते हैं मैं ना गाऊंगी ना कुछ करूँगी and I said I cannot recreate सीता का right. like that you know मतलब ठीक है मैं ही हूँ बट hmm. वो लुक तो नहीं आ सकता hmm. है प्रोफेशनल मेकअप वगैरह hmm. के साथ सो आई सिंह मुझे आई डोंट वांट टू कॉपी दैट लुक आई जस्ट वेर अ सारी एंड आई जस्ट सिट विथ नो मेकअप तो मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ था मैंने ना लिपस्टिक ना मेकअप कुछ hmm. भी नहीं धो के थोड़ा सा हल्का अंडर आई का करके मैंने वो कर लिया था hmm. सो माई मेकअप मैन हु टुक माई रील ही से नहीं हुई मैम अच्छा लग रहा है इट्स नॉट लुकिंग बैड ऐसे ठीक है चलो राम भरोसे वैसे ही मेरी राम uh, मेरी लाइफ राम भरोसे ही राम है तो ऐसा राम, राम भरोसे डाल दो हुँ. देखा जाएगा जो होगा सो होगा बहुत लोग ऑब्जेक्ट करेंगे खर, बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तो आप ऐसी दिखती हैं आप खराब लग रही है वैसी लग रही है ऐसा निकाल देंगे ना हमारा ही तो अकाउंट है

यू नो थर्टी टाइम यू के नॉट ऑलवेज की शादी हो गए बच्चे हो गए बच्चे बड़े हैं तो आई के नॉट लुक वॉज लुकिंग मैं रिक्रीट तो करूंगी ही नहीं be, hmm. you know, said, मैं जो हूँ सो हूँ ऐसे hmm. थोड़ा हल्का सा अंडर आई का मेकअप कर लेती हूँ एंड hmm. ये करके हम लोग करते हैं hmm. एंड इट मे बट मुझे वो बहुत जो मम्मी के वर्ड्स थे कुछ यू नो रिकट किया जाए लोगों के फोन मेरे पे आ रहे थे एंड आई रोटेट ओवर देअ की ड्यू टू पब्लिक डिमांड नो करके हाँ नहीं नहीं वो है मतलब आई थिंक उस करेक्टर का जो इम्प्रेशन है हम अगर हमें कोई कहे कि अच्छा भगवान का ध्यान करो तो वो इमेज ही दिमाग में वो आएगी दैट इज को मतलब हम निकाल ही नहीं सकते एटलीस्ट हम जो जिन्होंने वो एरा देखा नाइनटीज हाँ। किड्स और वो या, तो, तो या, मतलब या, मुझे या। लगता है आजकल के बच्चों को शायद नहीं पता हाँ। कि क्या स्ट्रॉन्ग उसका इम्प्रेशन था या, या। और इसीलिए कोई भी आ, सीता बना हो या कोई भी श्री राम बना हो उसको पचाई नहीं पता मुझे अपनी ही बात करूँगी अस तो बहुत वो हो जाएगा जब हम लोग रामायण कर रहे थे ना तो एटमोसफियर विद पापा जी एंड द फैमिली वेरी पायस ऐसा लगता था आश्रम में रह रहे यू you नो know, तो एक एक माहौल ही कुछ अलग था तो वहाँ पे सांप पाँप भी घूम रहे हैं तो मतलब संभाल के चलो हाँ सांप पाप है जैसे मतलब चुहा बुआ मुंबई में घूमते हैं ना या कुत्ते घूम रहे हैं या मतलब वही कैजुअल सांप पाप है जरा संभालना आज बहुत तो बारिश की वजह से सांप निकले तो मतलब इतना कैजुअल एंड वी हैव सीन टू यूज

तो राम जी ने मुझे कहा कि देखिए भाई हमारी तो धोती है हमारे में तो ऊपर ऊपर नहीं चढ़ेगा तुम अपना संभाल लेना hmm. तो आई वॉज स्टैंडिंग विथ माई माई सारी इन बिटवीन माई लेग एंड जहाँ उनका वो हो तो मैं मैं ये नज़र रख रही हूँ भाई hmm. इधर कुछ आ तो नहीं रहना बट वेरी कैजुअल तो मुझे लगता है कि हाउ दिस विच केम टू अस तो मतलब ये जब राम जी चाहते थे कि रामायण बने hmm. ताकि इतनी स्मूदली हुआ काम कभी मतलब कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आज भी जब हम लोग कहीं पे जाते अगर साफ रास्ते में दिख गया hmm. तो एक हल्ला हो जाता है बट इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन दो स्टेज एंड वी आई वर्क विथ अ लॉट ऑफ स्परिचुअल बैगेज बहुत स्पिरिचुअल बैगेज के साथ मैंने काम किया है क्योंकि मैंने हमेशा हर इंटरव्यूज में कहा कि मेरे गुरु हैं जेलाराम hmm. और मैं उनकी सौ सौ माला करती थी एक टाइम hmm. पे hmm. साई राम एंड चलाराम तो मैं राम का नाम में सौ माला में मैंने जपा है सो इट हैज़ बीन इन मी नाउ कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू नो विदाउट राम और मेरे लाइफ में जब भी कुछ भी हुआ है hmm. अच्छा इट हैज़ ऑलवेज बीन आई थिंक विद हिज ब्लेसिंग्स सो हम लोग आई थिंक वेरी वेरी स्परिचुअली इट हैज़ ऑर्गेनिकली टेकन प्लेस वेर इज़ आई फेल्ट जितनी भी अभी की आई हैं वो एक कमर्शियल टेलीविज़न सीरियल बनी है वो कभी भी टेलीविजन सीरियल नहीं बनी नहीं नहीं वो, वो तो इट जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ वाल्मीकि जी यू नो इट वॉज समथिंग लाइक दैट तो वी हैव नॉट गॉन आउट ऑफ आर वे मैं मैंने कहीं भी कोशिश नहीं की मैं सुंदर दिखूँ मतलब एक हल्का सा वो एग्रो पेंसिल लेके थोड़ी से आँख के नीचे मैं स्मच कर देती थी एंड मेकअप भी बहुत हल्का रखती थी वनवास में तो मेकअप भी मैंने बंद कर दिया था बहुत मिनिमम रखती थी एक आईब्राउ कभी कभी कर लेती थी लिपस्टिक तो कभी नहीं मैंने यूज़ की है तो मतलब आई डिड नॉट ट्राई टू बिकम लाइक अ वेरी प्रिटी पर्सन आई जस्ट फेल्ट के भाई मैं जो हूँ सो हूँ एंड दिस इज़ वॉट इट इज़ सो इट के वेरी नेचुरली ऑर्गेनिकली ना जेवर पहनना नथिंग एक बार निकल गए जेवर तब मैंने ये भी कोशिश नहीं की कि मुझे कुछ पहनना चाहिए या कोई अच्छी सी यू नो सैटिन की साड़ी पहनू नहीं सो वी वेरी ऑर्गेनिक एंड आई थिंक वो जो थी ना आई थिंक uh, वो लोगों को बहुत भाग गई बिल्कुल वो मैंने उसके बाद कितने ही लोगों ने किरदार निभा लिए सीरियल्स बहुत सारे बन गए <laughs> फिल्में बहुत सारी बन गई लेकिन वो इम्प्रेशन मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा बिकॉज दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मतलब श्री राम की कृपा आपके ऊपर हम सबके ऊपर बनी रहे हाँ, हाँ, बताई so so <laughs> इतने सारे किस्से बताए थैंक यू सो मच और मैं वो <laughs> बताऊ शो अच्छा। नेम बॉलीवुड किस्से उसमें मैंने <laughs> अच्छा। आपकी कहानी बनाई थी अच्छा एंड आई एम सो हैपी कि उसमें जो कुछ मैंने रिसर्च करके डाला था है. ये सब कुछ अच्छा ओके तो बहुत रेप हो गया आपके लिए ये इंटरव्यू आपने बोला वो अच्छा अच्छा तो वो तो हमने निकाला था मतलब इट्स लाइक फ्रॉम माता सीता के मुंह से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ यस फ्रॉम द हॉर्स और उसके अलावा भी आपने बहुत कुछ बताया अच्छा। मैंने तो खैर पाँच छः मिनट का एक वीडियो बनाया था तो बट इसमें वी हैव टॉक्ड अ लॉट थैंक यू सो मच थैंक यू इट वाज अ प्लेजर लवली मीटिंग प्रणाम